तो अभी रिसेप्शन पे बैठे हुए हैं। रिसेप्शन पे चेकआउट मैंने करा लिया है। 7 बजे चेक इन का टाइम है और 8 बजे चेकआउट का टाइम है मॉर्निंग में। तो चेकआउट करा लिया है, लेकिन चेकआउट में अभी क्या हुआ था कि मैंने बोला कि चेकआउट करना है तो बिलिंग के लिए उन्होंने 1600 और 127 रुपये डिनर के लिए बोला 1729 रुपये, सॉरी 1727 रुपये। मैंने बोला 500 रुपये एडवांस मैंने दिया है, ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है, और रूम का चार्ज 700 रुपीज़ पर डे यानी कि 1400 रुपये। मैंने बोला 500 पेमेंट हो गया तो 900 रुपये प्लस रात का डिनर 1027 रुपये। तो फिर उन्होंने रीचेक किया, रीचेक करने के बाद फिर बोला हाँ आप सही हो, तो ऐसे कंडीशन में आप हर चीज़ का बिलिंग लें होटल से, अगर किसी भी होटल में जाए कि बाद में अगर मुकर भी जाए ना भी करे तो आपको फिर बाद में बताना ना पड़े। इसलिए हर चीज़ का बिलिंग अगर होटल से कर रहे हैं, चाहे स्टे करने का या फिर होटल से ही डिनर कर रहे हैं, हर चीज़ का बिलिंग करा लीजिए, उसके बाद कोई आपको प्रॉब्लम नहीं। तो अभी जा रहे हैं जगन्नाथ मंदिर अपने होटल से। ये सीधे रास्ता गया है उस साइड, ईस्ट की तरफ जाने पर समुद्र मिलता है, और इधर वेस्ट की तरफ होटल से वेस्ट की तरफ जगन्नाथ मंदिर। चलिए होटल, आप सी बीच के जितना नज़दीक लोगे होटल वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, सी बीच से थोड़ा अंदर लोगे वो थोड़ा सस्ती पड़ेगी कंपेयर टू सी बीच होटल। यहाँ से 2 किलोमीटर बता रहा है। अच्छा लेट्स सी, होटल वाले बताए 1 किलोमीटर है, मैं अपने 2 किलोमीटर 1.7 किलोमीटर बता रहे हैं। आज टाइम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ट्रेन तो रात को 10:30 बजे है, तो दिन भर करना क्या है। देखते तो मैंने वहीं होटल के रिसेप्शन में रख दिया है, और आज ऐसे ही दिन भर टाइम पास करना है तो चले पैदल ही क्यों फालतू का शेयर लगाएं। आप देख सकते हैं 1.7 किलोमीटर का डिस्टेंस बता रहे हैं। आज मंडे है, जगन्नाथ मंदिर सीधे पुरी में। ये है कि लैंग्वेज का आपको कोई बैरियर नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका हिंदी नहीं समझेगा। यहाँ के जो लोकल लोग हैं या फिर यहाँ जो रहते हैं उनको 3 लैंग्वेज तो पता ही है, पहला उड़िया, दूसरा हिंदी और दूसरा बंगला। ये 3 लैंग्वेज तो यहाँ सब जानते हैं। ऐसा फील ही नहीं आएगा कि हम अदर स्टेट में आए, लगेगा या तो जैसे हिंदी स्टेट में जैसे जाते हैं ट्रेवल करते हैं बात करते हैं, तो उसी तरह यहाँ के ज़्यादातर लोग या तो उड़िया बोलते हैं या तो बंगला बोलते हैं और हिंदी भी बोलते हैं तीनों। तो इसलिए ऐसा कोई लैंग्वेज का कोई यहाँ दिक्कत होने वाला है नहीं। तो आप आइए थोड़ी बोलिए, और ये रास्ते जो जाता है ये इधर ये जगन्नाथ मंदिर की ओर जाती है। तो ये है मंदिर का खूबसूरत नज़ारा। एक जिस मंदिर पे वो फ्लैग झंडा लहरा रहा है वही मेन मंदिर है, उसी में श्री कृष्ण भगवान, श्री बलराम और सुभद्रा जी का मूर्ति स्थापित है। इस मंदिर के अंदर प्रवेश करने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा, जैसे कोविड के कारण ये नियम बनाया गया। जैसे नियम के लिए आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको आधार कार्ड लाना पड़ेगा, उसका जीरोक्स, और साथ में आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। अगर कोविड सीज़न में आ रहे हैं यानी कि अभी 14 फरवरी आ गए, आज के बाद से अगर आप लोग आना चाह रहे हैं तो ये कोविड के कुछ नियमों का पालन करना होगा। और ये मंदिर के खूबसूरत नज़ारा यहाँ से आप देख सकते हैं। Thank you.
अंदर प्रसाद मिलता है, प्रसाद में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप चाहे तो प्रसाद में आपको खरीदना पड़ेगा, जैसे 50 रुपया, 100 रुपया, 200, 500 का भी प्रसाद आता है। जो प्रसाद में आपको चावल, दाल, सब्जी ये भी मिलता है, और साथ में अलग अलग तरह के मिठाइयाँ भी मिलती है। और राबड़ी यहाँ का बहुत ही टेस्टी है, एक बार आए तो ज़रूर ट्राई करें। राबड़ी एक छोटा सा प्लेट में मिलता है, जो जिसका चार्ज 20 रुपया है। काफ़ी भीड़ है, अभी मैं जा रहा हूँ तालाब के पास। तालाब यहाँ से लगभग 400 से 500 मीटर की डिस्टेंस पे इसी डायरेक्शन में। अभी 200 से 250 मीटर के डिस्टेंस पे काफ़ी दूर है। चलिए चलने में जब आए टाइम है तो आप लोगों को भी घुमा देता हूँ। सोलो ट्रिप करने का मज़ा ही अलग है, आप अपने मर्जी से कहीं भी किधर भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं जाऊँगा तो मेरे साथ में उधर जाएंगे नहीं जाएंगे, जैसे ये सारे झंझटों से दूर सोलो ट्रेवल कीजिए। सोलो ट्रेवल का अपना ही मज़ा है, जैसे चाहे वैसे ट्रेवल कर सकते हैं, जो चीज़ खास कुछ भी खा सकते हैं बिना संकोच के, कहीं भी जा सकते हैं आ सकते हैं। आप कभी अकेले भी ट्रेवल करके देखिए, मज़ा ही कुछ और है। सोलो ट्रेवल स्टार्टिंग में जो फ्रिक्वेंटली ट्रेवलर नहीं है, एज ए टूरिस्ट आते हैं, टूरिस्ट वाले तो फैमिली के साथ आते हैं, एज ए ट्रेवलर आएंगे तो आप अकेले आइए, अकेले आने का मज़ा ही कुछ और है। ये क्या है भाई, चंदन है क्या? ये वाला कितने का है? हाँ कड़ा कड़ा, हाँ कितना? 60। अच्छा ये वाला, वो वाला कितने का है? कलर इसका छूटेगा नहीं? कलर छूटेगा नहीं? व्हाइट नहीं होगा, गोल्डन कलर चढ़ा हुआ है ना? ये गोल्डन का चढ़ा नहीं तो पीतल का ही है। गोल्डन का ये वाला है, ये वाला ये पीतल का है। क्या चीज़ का है? पीतल है, पीतल की है। ये वाला फिर कलर दिया हुआ है। अच्छा वो कलर किया हुआ है। वाला ये वाला कितने का है? ये 60। तालाब के पास तो आ गए। ये तालाब है, यहाँ पे पार्किंग का जगह है, उसी पार्किंग के बीच में ये तालाब बनाया गया है। और ये देखें तालाब, ये है काफ़ी ज़्यादा मछलियाँ। ये प्राइवेट गाड़ियों का पार्किंग जगह है, उसी के बीच में ये तालाब बनाया गया है। काफ़ी खूबसूरत है, तालाब गंदा नहीं है, काफ़ी साफ है।
अब नाश्ता नहीं किया जा रहा है, अब कुछ नाश्ता करके होटल वापस जाना है। होटल वापस जाने के बाद 12 बजे यहाँ से पुरी से निकल जाना है और भुवनेश्वर के लिए। अब उसके बाद टाइम भुवनेश्वर में स्पेंड करना है, क्योंकि अगर ट्रेन तो आप लोग को पता ही है 10:30 बजे है। तो चलिए नाश्ता किया जाए, तो मिलते हैं नाश्ता के बाद।